3-4 सालों से सुगबुगाहट चल रही थी कि देश का जाट समाज सत्तारूढ़ बीजेपी से बुरी तरह नाराज चल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान ये चर्चाएं और भी ज्यादा परवान पर पहुंच गई कि राजस्थान और हरियाणा, जहां 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, उन्हीं राज्यों में इस बार बीजेपी को मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि राजस्थान में 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, लेकिन राजस्थान में जो सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं, ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि बीजेपी को शेखावटी, मारवाड़ की कई सीटों पर जाट समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। और इसी जाट फैक्टर ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान खेल बिगाड़ दिया है। एक साथ 3-3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अभी मार्च में ही हरियाणा की सियासत में बड़ी उठापटक मची थी और सीएम बदल दिया गया था, और लोकसभा चुनाव के बीचों बीच फिर एक नया भूचाल आ गया है। सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए विपक्ष यानी कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। दुष्यंत ने कहा है कि 3 निर्दलीय विधायकों का बीजेपी से इस तरह समर्थन वापस लेना बीजेपी की कमजोरी को कहीं ना कहीं साफ बयां कर रहा है। दुष्यंत ने कहा कि मैं विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा से यह कहना चाहूँगा कि अगर संख्या गणित के हिसाब से चुनाव के दौरान इस सरकार को गिराने को लेकर समर्थन देने की जरूरत होगी तो वे समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है कि क्या हरियाणा में अल्पमत में आ चुकी बीजेपी की सरकार गिर जाएगी? इसके जवाब में बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि उनके तरकश में अभी कई तीर बाकी हैं। अगर हरियाणा विधानसभा की सीटों का गणित समझें तो यहां कुल 90 सीटें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लोकसभा चुनाव लड़ने के चलते करनाल की सीट खाली हो चुकी है। हरियाणा में बहुमत के लिए 45 का आंकड़ा चाहिए। अभी भाजपा के पास 40 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास महज 30 विधायक हैं। अगर जेजेपी के 10 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक मिला भी लिए जाएं तो कांग्रेस के पास केवल और केवल 43 विधायक ही पूरे हो पाते हैं, जबकि बीजेपी का दावा है कि 3 अन्य निर्दलीय विधायकों के साथ ही 4 जेजेपी के विधायक भी उनसे संपर्क कर रहे हैं। इस तरह अगर गणित बैठता है तो बीजेपी के पास टोटल 47 विधायक हो जाते हैं। इसके अलावा भी विधायी नियमों के अंतर्गत बीजेपी की सरकार अभी नहीं गिराई जा सकती है। ये एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि इसकी वजह है कि नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते 12 साल को ही सीएम पद की शपथ ली थी, अगले ही दिन फ्लोर टेस्ट पास किया था। नियम कहता है कि 2 फ्लोर टेस्ट में 6 माह का समय होना चाहिए। 13 सितंबर से पहले दूसरा फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता और इसी दौरान अक्टूबर नवंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार के अल्पमत की बात कह सकता है, नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी कर सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाकर फ्लोर टेस्ट नहीं करवा सकता है। अब हरियाणा की जाट सियासत पर फोकस करते हैं। आखिर सत्तारूढ़ बीजेपी से क्यों खफा है जाट समाज? जाट समाज का मार्शल कम्युनिटी के तौर पर हरियाणा और राजस्थान में अच्छा दबदबा रहा है। जिस जाट फैक्टर की राजस्थान के लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चा चल रही थी, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं हरियाणा से ही निकली थी। किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना, महिला पहलवानों का आंदोलन और सम्मानजनक राजनीति से जाटों को दूर करना, ये सारी बातें हरियाणा और राजस्थान में कॉमन रही है। लेकिन हरियाणा में बीजेपी के साथ ही जाट समुदाय इस बार जेजेपी से भी नाराज है। जगह जगह जेजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाना, रास्ते रोकना हरियाणा में आम बात हो गई है। ऐसे में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के तिरस्कार से पीड़ित जेजेपी कांग्रेस की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है। वजह साफ है,
कि पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा जाट समाज के भी नेता हैं, उनके साथ ही उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की जाट समाज में अच्छी पकड़ है। जाटों की बीजेपी से नाराजगी का फैक्टर भी वे समझते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से अब तक हरियाणा के जाटों ने बीजेपी को जमकर समर्थन दिया है। यहाँ की आबादी का 27% वोटर जाट समाज से ही आता है, जो कि प्रदेश की सभी सीटों पर खेल बनाने और बिगाड़ने में अहम किरदार निभाता है। 2014 में जाटों के जोरदार समर्थन के बाद बीजेपी ने गैर जाट मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना दिया। इस बात को लेकर जाट समाज पहले से ही बीजेपी से नाराज चल रहा था। इसके बाद 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन, किसानों का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली में महिला पहलवानों का विरोध प्रदर्शन ने जाटों को बीजेपी से और भी ज़्यादा रुसवा कर दिया। सर्वे रिपोर्ट बताती है कि 2014 के चुनाव में करीब 19% जाटों ने भाजपा के पक्ष में वोटिंग की। 2019 के लोकसभा चुनाव में जाटों का ये समर्थन और भी ज़्यादा बढ़ गया और 50% तक जाट बीजेपी के समर्थन में आ गए। लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर समाज को संतुष्ट नहीं कर पाए। जाटों की नाराजगी का एक और आलम हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद विधानसभा चुनाव में नजर आया। लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और कांग्रेस शून्य पर ही रह गई, विधानसभा चुनाव में वही कांग्रेस 30 सीटें जीतकर बीजेपी को बहुमत से रोकने में कामयाब हो पाई। कांग्रेस अभी प्लस में है हरियाणा में और इसीलिए दुष्यंत सिंह चौटाला तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं, लेकिन स्थानीय सियासत को देखें तो दुष्यंत सिंह चौटाला का वर्चस्व यानी जेजेपी का वर्चस्व बीजेपी से भी ज़्यादा हरियाणा में घट गया है। ऐसे में कांग्रेस जेजेपी को समर्थन की स्वीकारोक्ति दे भी देती है तो यह कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो क्या एन लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा की यह सियासत बीजेपी को आईना दिखाने जैसी है? जाटों की नाराजगी का असर कितना लोकसभा चुनाव में और कितना विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? इंतज़ार करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जनता दरबार के लिए जयपुर से विजय वर्मा।